नमस्कार कक्षा दसवीं वाले छात्र, अपना गणित विषय का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल असली वाला मासिक टेस्ट पेपर है। आपको इस टेस्ट पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। समय 45 मिनट। तो सभी कक्षा दसवीं वाले छात्र इस टेस्ट पेपर को अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लीजिएगा, ताकि आप गणित विषय में 20 में से 20 अंक लेकर आ जाए। इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आप देख लीजिएगा, किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सर्वांतर -2 हो तो प्रथम 4 पद होंगे। तो प्रथम 4 पद आपको ज्ञात करना है। तो आप सभी छात्र इस सूत्र के माध्यम से, जो हम आपको सूत्र बताएंगे, इसके माध्यम से आप प्रथम 4 पद निकाल सकते हैं। तो सूत्र देख लीजिएगा, a a + d a + 2d a + 3d। इसके माध्यम से आप प्रथम 4 पद या फिर कितने भी पद निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा ए वाला, ठीक है, 7 5 3 1। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में क्या करना, आपको x का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो आप सभी छात्र इस क्वेश्चन में त्रिभुज का सूत्र लगाकर x का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला, 4, ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में क्या करना आपको इस क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3+2n हो तो तब श्रेणी का प्रथम पद खाली स्थान होगा, तो कौन सा होगा ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा 5, कितना होगा 5 होगा, ठीक है। और दूसरा देख लीजिएगा, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना होगा समान होता है, ये आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, तीसरे प्रश्न में आपको सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपके टेस्ट पेपर में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। इससे पहले सभी छात्र मिलकर इस वीडियो को आपके सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला देख लीजिएगा, पहले में क्या पूछा है, यदि ए बी सी ए पी में है तब बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 है, तो बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा। और दूसरा देख लीजिएगा, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बिल्कुल होते सत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, चौथे प्रश्न में क्या करना आपको, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा, देना होगा, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, पहले में क्या पूछा है, पहले में यहां पर पूछा है 5 10 15 के 8 पदों का योग क्या होगा। 8 पदों का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें भी एक सूत्र लगने वाला है, ठीक है, एस बराबर एन बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक 1d और बड़ा कोष्टक, ये सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। इस सूत्र के माध्यम से आप 8 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा, कौन सा लिखना है, तो इसमें आपको राइट आंसर 180 लिखना है। और इसके साथ ही यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। यहाँ पर इसमें आपको लिखना होगा, यहाँ पर सिंपल सा हाँ आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में आपको प्रथम पद ए ज्ञात करना होगा, इसके साथ आपको सर्वांतर डी आपको ज्ञात करना है, ठीक है।
और जिसका तीसरा पद आपको दिया है, कितना दिया, पाँच, और सातवां पद आपको दिया है पर नौ दिया है। तीसरा पद मतलब आपको कितना दिया, पाँच दिया है, ठीक है। तो टी एन बराबर फाइव आपको दिया है और टी सेवन बराबर आपको नौ दिया है। तो इसमें आपको सर्वांतर ए और सॉरी सर्वांतर डी तथा प्रथम पद ए आपको ज्ञात करना है, इसका आंसर आपको बता देंगे। अब आपका छठा प्रश्न देख लीजिएगा। छठे प्रश्न में क्या पूछा है, प्रथम सो धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको, योग निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको योग ज्ञात करना होगा। तो ऐसे में भी आपका योग वाला सूत्र लगने वाला है। और सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको कोण ओ ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोण ओ ए बी, ये आपको निकालना होगा। बहुत सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी आप सभी को बता देंगे किस प्रकार से आपको कोण ओ ए बी ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमारा आठवां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना आपको, थेल्स प्रमेय का कथन आपको लिखना होगा। इसके साथ ही आपको थेल्स प्रमेय को सिद्ध भी करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको थेल्स प्रमेय की परिभाषा लिखना होगा, उसके बाद आपको इसको सोल्व करना है, मतलब सिद्ध करना है। अब मैं आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन मतलब संपूर्ण हल बता देता हूँ। तो आप सभी छात्र इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना था, तो इन सभी का आंसर आप सभी देख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आप सभी को दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आप सभी छात्र देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद आपको फोर के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव के आंसर पर। तो यहाँ पर आप सभी छात्र क्वेश्चन नंबर फाइव के आंसर देख लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी जब कॉपी में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद आप सभी को हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा और अपनी रफ कॉपी में लिखकर सोल्व कर लीजिएगा किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर आपको दिया हुआ है, जिसमें क्या करना आपको, कौन ओ ए बी ज्ञात करना है। अब आप सभी छात्र क्वेश्चन नंबर एट का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें थेल्स प्रमेय का कथन आपको सबसे पहले लिखना होगा। तो कथन आप सभी देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको कथन लिखना होगा और सिद्ध आपको इस प्रकार से करना है। तो इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। यदि आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्दी रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।